आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्क एंड टाइम के सैनिक वाले जो जो क्वेश्चन कर सकते हो उस टाइप के। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सैनिक छावनी में 95 सैनिक के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री है। 5 दिन बाद जो है 30 सैनिक कैंपस जो है या कैंप छोड़कर चले गए, जिससे शेष बची सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। देखिए पहले कितने थे सैनिक, M195 ठीक है, और जो डी रहेगा डी M1 D1, D1 कितने थे पहले थे 200, जिसमें से 30 क्या होते हैं सॉरी 5 जो है वो चले जाते हैं। 5 दिन बाद 30 सैनिक चले जाते हैं, तो 200 में से 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, दिन है यहाँ पे, दिन माइनस कर दिए जाएगा 195। आगे जो दिया है M2, M2 निकालने के लिए 95 सैनिक थे, जिसमें से 30 सैनिक जो है कैंप छोड़ चले गए, तो बचे कितने 65। और पूछा है जो बची शेष सामग्री है वो कितने दिन चली गई, मतलब D2 की वैल्यू पूछा है। तो फार्मूला हमारा वही हो गया, M1 D1 बराबर M2 D2। ये जो फार्मूला यूज करने वाले हैं, तो देखिए 95 सैनिक थे, 95 मल्टीप्लाई बाई दी, दिन कितना हो रहा है 195 बराबर, अगला कितना है D2 पूछा गया है, D2 मल्टीप्लाई दी और 65। ये देखिए इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 3 टाइम 95 मल्टीप्लाई दी 3 बराबर D2। D2 बराबर जो है ये हो जाएगा 285 डे। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, जो सैनिक दिया हुआ था उसको हम लोग यमन मान लिए, जो दिन की संख्या थी D1 निकालने के लिए, जो कुल दिन थे उसमें से कितने दिन बाद सैनिक आ जाते हैं 5 दिन बाद, तो 5 माइनस करके D1 निकाल लिए। फिर M2 कितने हैं, 95 सैनिक थे, 30 सैनिक चले गए, तो 95 से 30 घटा दिए तो 65 आ गया। और D2 की वैल्यू पूछा था, मतलब जो लास्ट वाला दिन था वो पूछा था, तो हम लोग M1 D1 बराबर M2 D2 ये फार्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर ला दिए।